हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर टैली प्राइम में आपसे ये कहा जाए कि एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी आपने यूनिट बनाई हुई है, और या फिर आप बना लीजिए और ऐसी यूनिट बनाइए कि उस प्रोडक्ट को आप एक पैकेट बेचिए, यानी एक डब्बे में रखा हुआ है, उस पूरे एक डब्बे को बेच दीजिए, उस डब्बे की प्राइस अलग लगे, ठीक है। और अगर आप सिंगल एक उस डब्बे में से निकाल के वही सामान बेचते हैं तो उसकी प्राइस अलग लगे, कुछ ऐसा यूनिट में चेंजेस कीजिए, तो आप क्या करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। चलिए आइए जानते हैं कि आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोई एक कंपनी हम चूज कर लेंगे, लाइक ये ग्रोसरी शॉप है, इसी को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक जो है प्रोडक्ट है उसको परचेस करना है। अब परचेस का बिल मिला हुआ है, उसी की एंट्री हमें करनी है, ठीक है। तो परचेस पे चलते हैं, आगे परचेस पे। अब ये आइटम इनवॉइस मोड में आपको रहना है, यहाँ देखिए नेम ऑफ आइटम आना चाहिए। अब यहाँ पर सप्लायर द्वारा दिया गया जो बिल है उसका नंबर है 455 और वो डेट है 1 अप्रैल 2024। अगर डेट कोई और है, जैसे 1 मई है, तो F2 करके यहाँ पे 1/5/2024 कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डेट है उसको चेंज कर लीजिएगा। चलिए 1 मई 2024 ही कर देते हैं। ये आ गए हम, एंटर करके नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रेडिटर पार्टी का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लायर वन कर देते हैं या सप्लायर पार्टी कर देते हैं, सप्लायर पार्टी, ठीक है। इसी नाम से हम सप्लायर पार्टी का लेजर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे, बहुत बड़ा कोई ये तो है नहीं। और यहाँ पर आपका आता है GSTIN नंबर, तो जो आपका GSTIN है वो डाल करके एंटर करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आता है परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर बात आती है स्टॉक आइटम की, तो अल्ट सी करके आप स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है। और अल्ट सी किया है स्टॉक आइटम बनाने के लिए, तो इस स्टॉक आइटम का नाम क्या है, टॉफी, ठीक है, टॉफी है। तो यहाँ पर टॉफी लिख दिया हमने और एंटर किया। एंटर करके यहाँ पर आए, इसको अंडर ग्रोसरी में हम डाल सकते हैं नहीं, इसको प्राइमरी में ही रखते हैं। अब यहाँ पर यूनिट बनाना है हमें, ठीक है। और जैसे यूनिट क्रिएशन पे हम जाते हैं तो हमको ये विंडो नजर आती है, इस तरीके का आपको दिखता है सिनेरियो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ना। तो अभी तो कंपाउंड यूनिट बनाना है तो फिर सिंपल ये क्यों। तो आप एक बार बैक स्पेस की प्रेस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको बैक स्पेस की प्रेस करनी है, ठीक है। आपको स्पेस की नहीं, बैक स्पेस की प्रेस करनी है एक बार, तो ऊपर आपको कंपाउंड और सिंपल दोनों ही दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। देखिए दोनों दिखाई पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहां पर कंपाउंड कर देना है, कंपाउंड कर दिया। अब एंटर करके नीचे आए, अब यहां पे कह रहा है फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो यहां क्रिएट पे जाना है आपको, देखिए मैंने दो यूनिट बना रखा है, केजी और केजीएस एक ही है, लेकिन हम यहां पर क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। और क्रिएट पे जाकर के यहां पे सिंपल देंगे तो यहां पैकेट कर देते हैं, पीकेटी मतलब पैकेट हो गया। और इसका फॉर्मल नेम आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम दे देते हैं, ये दे दिया हमने। यूक्यूसी कोड आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे पैक्स है, पैकेट्स है, तो यहाँ पे पैक्स कर देते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 0 ही रहेगा, ठीक है। एंटर करेंगे, अब यहाँ पर जो है एक पैकेट में कितनी टॉफीज आ रही है, तो जैसे मान लीजिए एक पैकेट में 100 टॉफीज आ रही है, और यहाँ पे सेकेंड यूनिट बनाएंगे तो सेकेंड यूनिट में क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट में हम पीस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पीसीएस यानी पीस, और यहाँ PIECE पीस कर दिया हमने, और यहाँ पे पी प्रेस करेंगे, देखिए पीस भी आ जाएगा इसमें, तो देखिए यहाँ पे पीस भी आ रहा है, तो आप इसमें पीस चूज कर लीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कराइए इसको। और जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो ये आप इस तरीके से आ जाएगा। अब एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। अब क्वांटिटी पर बात आ गई है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यूनिट तो आपने बनाना सीख लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर टॉफी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम एक पैकेट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक लिखा हमने, कॉमा डैश देके 0 दिया, तो एक पैकेट का जो दाम है वो यहां पर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक पैकेट का दाम 90 रुपए है, ठीक है, 90 रुपए है एक पैकेट का दाम, और इसमें कोई डिस्काउंट मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन यही अगर टॉफी फिर से हम लेते हैं, यही टॉफी जो है, जबकि दोबारा हम ये लगा चुके हैं, तो यहां देखिए एक पैकेट, अब ये पहला वाला एक पैकेट है और दूसरा वाला है एक पीस,
यानी एक पैकेट और एक पीस अगर हम बात करें तो एक पैकेट तो 90 रुपए का है, लेकिन 90 रुपए नहीं आ रहा है यहाँ पे देखिए 90.90 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये डैश वन दे देने से ये पीस में अपने आप ले ले रहा है, ठीक है। अब फिर एंटर करते हैं एक बार, इसको चेक करते हैं दोबारा से, यहाँ पर आए फिर यहाँ क्या करते हैं टॉफी करते हैं, ठीक है, ये टॉफी लिखा हमने। अब मान लीजिए दो पैकेट की बात है, तो दो पैकेट अगर कर देते हैं तो अगर यहाँ पर डैश जीरो रखेंगे तो यहाँ दो पैकेट का आ जाएगा, यानी एक पैकेट की प्राइस 90 रुपए, तो दो पैकेट की 180 रुपए अपने आप आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर थोड़ा सा हटके है, ध्यान दीजिएगा, सवाल ये है कि यहाँ पर कोई पैकेट नहीं सेल किया जा परचेस किया जा रहा है, एक पीस ही परचेस किया जाए। सपोज कीजिए, वैसे परचेस तो पैकेट में किया जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं एक पीस ही यहाँ पे डाल रहा हूं, तो 90 रुपए भले दाम है इसका, लेकिन ये डैश वन लगा देने से ये 90 पैसे बन जा रहा है, यानी एक टॉफी कितने की आ रही है, 90 पैसे की आ रही है। कंपाउंड यूनिट समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप एंटर करते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे आते हैं, बाकी का आपको जीएसटी जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये सीजीएसटी आ गया, देख ही सकते हैं, फिर यहाँ पे एसजीएसटी आ जाएगा, ठीक है, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा और यहाँ नरेशन डाल दीजिएगा, द गुड्स हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये डाल दिया हमने और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो ये एंट्री पूरी हो गई, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला जब सेल्स वाउचर में जाएंगे तब भी काम करेगा, कैसे देखिए, बी बटन प्रेस किया और F8 प्रेस करके आ जाइए सेल्स वाउचर में। अब ये सेल्स वाउचर है, अब यहाँ पर जो है कस्टमर का लेजर आएगा, तो यहाँ पे कस्टमर कर देते हैं, ये हो गया कस्टमर, अब यहाँ वन कर देते हैं, और यहाँ पे आएंगे तो ये सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप नहीं होगा, इसमें सन्ड्री डेटर का ग्रुप होगा, तो ये सन्ड्री डेटर कर दीजिए, एंटर करते हुए आ जाइए नीचे, स्टेट वगैरह देख लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा और एंटर करते 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 फिर आइए यहाँ पर और एंटर कर दीजिए, और फिर जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, तो ये सेल्स अकाउंट लगा लिया। अब फिर वही चीज की हम बात कर रहे थे टॉफी की, तो यहाँ पे टी प्रेस करते हैं, ठीक है। अब कितना है, दो पैकेट है और दो पीस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 40 टॉफी, अब क्वांटिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, 0-40 कर दे रहा हूँ 40, तो यहाँ पे 40 टॉफी और एक टॉफी, अब मान लीजिए हमने परचेस तो 90 रुपए का किया था, लेकिन बेचेंगे तो 100 रुपए का एक पैकेट बेचेंगे, तो उसके हिसाब से देखिए 40 रुपए का टॉफी हो गया आपका, देख रहे हैं अपने आप यहाँ 40 रुपए प्राइस आ गई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ ये पीसेस के हिसाब से आ रहा है, लेकिन यही अगर पैकेट के हिसाब से बात करें तो यहाँ एंटर करते हैं, फिर टॉफी का जो स्टॉक आइटम है उसको लेके आते हैं। अब मान लीजिए एक पैकेट की बात करें तो 1-0 कर देते हैं, और यहाँ पर जो है अगर मैं 100 रुपए डालता हूँ तो यहाँ पे एक पैकेट 100 रुपए का आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, देखिए देख रहे हैं ना। अगर फिर इसी तरीके से एंटर करते हैं, फिर आते हैं नीचे, फिर यहाँ पे टॉफी का जो स्टॉक आइटम है उसको इंसर्ट करते हैं। अगर 5 टॉफी की बात करें तो यहाँ पे 0-5 करते हैं, तो यहाँ 5 रुपए अपने आप आ जाएगा, यहाँ 100 डालिए और 5 रुपीज अपने आप आ जाएगा। तो यही कहानी सेल्स में भी है, और यहाँ पर आपको जीएसटी के लेजर्स लगाने हैं, तो सीजीएसटी लगा दिया, ये सीजीएसटी आ गया, और यहाँ पे एसजीएसटी लगा देंगे तो ये एसजीएसटी भी आ जाएगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, यहाँ पे नरेशन डाल दीजिएगा, द गुड्स have been sold on credit, ठीक है, उधार में बेचा जा रहा है, तो ये हो गया, अब बस हो गया ये। तो इसी तरीके से आपको करना है, उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी।